वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसके साथ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में से जो कुछ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को Statement. ऑन वट ग्राउंड कैन यू सी दैट स्केंडियम इज ए ट्रांशन एलिमेंट बट जिंक इज नोट तो ट्रांशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें हमें यह पार्टली फील्ड डी सबशल मिल जाए उनकी नॉर्मल स्टेट में या फिर उनकी किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टली फील्ड हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए बट यह जिंक के पास उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते इसलिए जिंक इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट बट उसको इसके साथ ही स्टडी किया जाता है में ही रखा जाता है, एलिमेंट्स के साथ ही क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मैच करती हैं इसलिए तो सेम ही आपको यही स्टेटमेंट पूछी जा सकती है मरकरी उनके पास भी पार्टली फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं होते नेक्स्ट वन इज वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर इन एटमाइजेशन तो एटमाइजेशन की इन एन्थेल्पीस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाई क्यों होती हैं एंथेल्पी ऑफ़ एटमाइजेशन का मतलब है कि हमें किसी मेटल को या किसी एलिमेंट को एटम्स में चेंज करना है मतलब उनके जो सभी एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उन सभी को अलग अलग करने में कितना इंथेल्पी चेंज होता है वो हमें बताना है कि इसका हाई क्यों होता है तो अब इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्ट्रॉन्ग मोटेलिक बॉन्डिंग बन जाती है स्ट्रोंग मोटेलिक बॉन्डिंग जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से बनती है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग के साथ स्ट्रॉन्ग मटेलिक बॉन्डिंग होने के कारण इनमें जो इनथेलपी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है हार्डनेस इंक्रीज हो सकती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई हो जाते हैं ये सभी कुछ आप इसी पर बेस्ड ही एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई इन थेलपी ऑफ जिंक इज लोएस्ट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिंक की इनथेलपी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लो क्यों है क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके कारण के मेटेलिक बॉन्ड्स इसमें वीक बनते हैं सो so, जिंक हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन दस नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थ्री डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड्स जिसके कारण के उसकी इंथेरेपी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज हो जाती है तो ये सिंपल सिंपल से रीज़न है जो आपको सुनकर ही याद हो जाते हैं वाई इज सी आर टू पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 एन थ्री पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग वेन बोथ हैव द डी फोर कन्फिग्रेशन अब सीआर टू पॉजिटिव के पास यह थ्री डी फोर होती है जो कि यह थ्री डी थ्री में चेंज हो जाती है बायोलोसिंग वन इलेक्ट्रॉन जिसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन और दूसरे की ये रिडक्शन करता है अब ये डी थ्री जो ये कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल हाफ फील्ड बनती है अकॉर्डिंग टू द टी टू जी शपशल ये हमने यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में किया था कि डी ओरबिटल्स दो ओरबिटल के सेट में स्प्लिट हो जाते हैं तो जो टी टू जी होता है उसमें जो ये थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं इसलिए ये स्टेबल बन जाता है बट एम एन थ्री पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर थ्री डी फाइव बनकर स्टेबल हाफ फिल्ड बन जाता है जिसके कारण के वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है ऑल्सो आप इनकी ई नोड वैल्यू से भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं सी आर थ्री पॉजिटिव एंड सी आर टू पॉजिटिव की ई नोड वैल्यू का साइन है माइनस मतलब ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ज्यादा होगा रिड्यूसिंग एक्शन इसका वीक होगा बट एम एन थ्री पॉजिटिव एंड एम एन टू पॉजिटिव जो है उसका है प्लस वन पॉइंट फाइव सेवन इसका मतलब कि एम एन थ्री पॉजिटिव हमारे पास जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बट सी आर थ्री पॉजिटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा इसका मतलब क्या होता है कि सी आर टू पॉजिटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर सी आर थ्री पॉजिटिव ही बन जाएगा तो इसके कारण ही हमारे पास जो सी आर टू पॉजिटिव है वो रिड्यूसिंग करैक्टर शो करता है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो ये आपको साथ साथ में आंसर को नोट no डाउन करते जाना है स्क्रीन को स्टॉप कर कर या फिर स्क्रीन शॉट आपको सेव कर लेने हैं फिफ्थ है हमारे पास ई नोट वैल्यू फॉर एम टू पॉजिटिव एंड एम फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव तो कॉपर में जो एम टू पॉजिटिव एम की ई नोट वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है इसका पॉसिबल रीजन क्या होना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको ई नोट वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं कि एम टू पॉजिटिव जो आयन है वो एम में कितनी जल्दी चेंज हो सकता है इसके बारे में हमें ई नोड वैल्यूज़ बताती हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब कि एम टू पॉजिटिव आयन ये एम में जल्दी चेंज हो सकता है इसका मतलब कि एम टू पॉजिटिव की स्टेबिलिटी वीक है लो है तो इसका कारण क्या है कि ई नोड वैल्यूज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर यहाँ पर डिपेंड करती हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आइनाइजेशन इन थेलेपी ऑफ एटमाइजेशन या फिर हाइड्रेशन इन तो ये तो ये सभी फैक्टर्स ही हमें यहाँ पर ई नोड वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं तो सबसे पहले सोलिड टू गैस के लिए इंथेरेपी ऑफ एटमाइजेशन गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन आइनाइशनथेरेपी और फिर गैसियस आयन को एक्व आइन में चेंज करने के लिए हाइड्रेशन इन्थेरेपी तो कॉपर की जो हाई इंथेलपी ऑफ एटमाइजेशन होती है इंथेरेपी ऑफ एटमाइजेशन हमें ऐड करनी पड़ती है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आइनाशन इनथेरेपी भी हमें ऐड करनी पड़ती है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ओनली हाइड्रेशन इंथेरेपी ही बाहर निकलती है सो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है ज़्यादा बट लो इंथेलपी ऑफ हाइड्रेशन तो बाहर जो आ रही है एनर्जी वो लो होती है इसके कारण तो इसका ई नोट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बन जाता है मतलब कि कॉपर टू पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम होती है मतलब इसके आयंस जो हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी फॉर्म नहीं कर पाते हम तो इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए अगर हमें कॉपर सोलिड को कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस में चेंज करना है क्योंकि उसकी इन थेल्पी ऑफ सब्लीमेशन एंड आयनाइजेशन हाइड्रेशन से बैलेंस नहीं हो पाती इसके यह इसके कारण हाउड यू अकाउंट फॉर द इन ऑफ आइनेशन इन एलिमेंट्स तो फर्स्ट एंड सेकंड आइनेशन इन में इरेगुलर वेरिएशन होने का कारण हमें यहाँ पर बताना है सो दिस इज बिकॉज द वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन तो डिफरेंट कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग अलग है जैसे कि बहुत सारे इसमें आयंस और इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड बनाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है और आल्सो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है किसी भी शेल से जैसे फोर से या फिर यह थ्री से तो उसके बाद अनर्जीज़ हैं जो रिमेनिंग शेल्स की वो इसमें इंटरचेंज हो जाती हैं अल्टर्स हो जाती हैं ये उल्ट पुल्टे हो जाती हैं, जिसके कारण के ये यहाँ पर इेगुलर बिहेवियर दिखाती है तो बट उसकी सेकेंड आइना काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर हम फोर एस वन को रिमूव कर भी देते हैं तो थ्री डी फाइव भी हाफ फिल्ड स्टेबल है तो इसके कारण इसमें इेगुलर बिहेवियर आ जाते हैं ड्यू टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंटेशन नेक्स्ट इज़ इज द ई इनोड वैल्यू फॉर द एम एन थ्री पॉजिटिव एंड एम एन टू पॉजिटिव कपल इज़ मच मोर पॉजिटिव दैन दैट फॉर द सी आर थ्री पॉजिटिव सी आर टू पॉजिटिव और एफ ई थ्री पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव तो उन्होंने हमें कहा है कि एम एन थ्री पॉजिटिव एम एन टू पॉजिटिव कपल की वैल्यू काफ़ी पॉजिटिव क्यों है दैन द सी आर थ्री पॉजिटिव एंड एफ थ्री पॉजिटिव तो इसका मतलब ये है कि एम एन थ्री पॉजिटिव जल्द एम एन टू पॉजिटिव में चेंज हो सकता है मतलब एम एन टू पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है एम एन टू पॉजिटिव के स्टेबल होने का कारण है उसकी थ्री डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन जो कि हाफ फिल्ड है तो तो इसमें इसी के कारण ही एम एन थ्री पॉजिटिव जल्द से एम एन टू पॉजिटिव में चेंज होना चाहता है और उसकी इन वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है तो सी आर थ्री पॉजिटिव एंड सी आर टू पॉजिटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता तो इसके कारण ही एम एन थ्री पॉजिटिव एम एन टू पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव है सो वाई इज द हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली ऑक्साइड्स और फ्लोराइड में ही डी ब्लोक एलिमेंट जो हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्यों शो करते हैं क्योंकि तो ऑक्सीजन एंड एंड यह फ्लोरिन का साइज छोटा होने के कारण उसकी ए इलेक्ट्रोन एक्टिविटी हमारे पास हाई रहती है इसके कारण वो यहाँ पर हाईस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज कर देते हैं विच इज द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट सी आर टू पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव एंड वाई तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन बनाएंगे तो सेम रीजन हमने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था तो सी आर टू पॉजिटिव डी फोर है तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट मीनस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन ईजली तो ये खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर कर ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा इसी के कारण ये मोर और ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये डी थ्री मतलब टी टू जी थ्री एक कन्फिगेशन बना लेता है आल्सो हम इसको भी ई नोड वैल्यूज के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था तो ये कुछ आंसर्स और स्टेटमेंट्स एक जैसी हैं बट इनके आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आपको ये सभी एक साथ रीड आउट कर देने हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डाइवेलेंट आयन इन द द इन दो सॉल्यूशन विद एटोमिकंबर ट्वेंटी ए है ट्वेंटी फाइव का हमें डाइवेलेंट आयन सोल्व करना है और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करनी है तो ट्वेंटी फाइव पर जो भी होगा उसकी उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी फोर एस टू थ्री डी फाइव विद आर्गन तो अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फोर एस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो तो यही बच जाएगा आर्गन थ्री डी फाइव तो हमारे पास थ्री डी फाइव है तो इसका मतलब फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि डी में पांच शेल होते हैं सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहाँ पर थ्री डी फाइव बन जाएगा तो जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सोल्व करने का फार्मूला है हमारे पास म्यू स्क्वायर रूट में एन इंटू एन प्लस टू इसमें आपको फाइव पुट करना है और इस वैल्यू को सोल आउट कर देना है तो इसके बाद है हमारे पास वट इज द मीन बाय डिस्प्रपोशनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट गिव एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन स्टेट की डिस्प्रपोशनेशन होने का क्या मतलब है या फिर डिस्प्रपोशनेशन रैक्शन क्या होती है वो रैक्शन जिसमें कि सेम कंपाउंड एक ही रिएक्शन में खुद की ऑक्सीडेशन भी करवा दे और रिडक्शन भी हो जाए मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो जाए एंड डिक्रीज भी हो जाए तो व्हेन इन ए रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इंक्रीजेस एंड आल्सो डिक्रीजेस इन अदर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट में इंक्रीज होए और दूसरे में डिक्रीज हो इसे हम कहते हैं डिसप्रपोशनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि हमने ऊपर यह सबसे स्टार्टिंग में एग्जाम्पल की थी कि एम एन ओ फोर टू नेगेटिव आयन है वो एसिडिक मीडियम में डिसपोशनेट हो जाता है तो वो वहाँ पर एम एन ओ फोर वन नेगेटिव जाने के पर आयन एंड एम एन ओ टू बना लेता है ऐसे ही आपके पास एक ईजी एग्जाम्पल भी है वो है कि सी यू पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो एक्व सोल्यूशन में डिसनेट होके सी टू पॉजिटिव एंड कॉपर बना लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है एक्सप्लेन वाई सी यू पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन दस्यूशन सी यू टू पॉजिटिव आयंस आयो सोल्यूशन में क्यों नहीं स्टेबल होते क्योंकि वो डिस होकर सी यू टू पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं इसका क्या कारण है इसका कारण हमें एक्सप्लेन करना है कि वो डिसोशनेट क्यों हो जाते हैं सोल्यूशन में सो so, इसका कारण क्या है कि दिस इज बिकॉजो द सेकेंड आयनाइजेशन इन थेरेपी ऑफ द कोपर इज लार्ज कोपर की सेकेंड आयनाइजेशन इन थेरेपी लार्ज है चाहे बट उसकी हाइड्रेशन इन थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है जो कि बाहर निकलती है एनर्जी जिसका साइन के नेगेटिव होगा तो कोपर की कोपर टू पॉजिटिव आयंस की जब हम एक्वस स्टेट में उनको चेंज करते हैं हाइड्रेशन इन थेरेपी बाहर निकलती है तो वो इसकी आइनाइजेशन इनथेरेपी के इफ़ेक्ट को यह कम्पनसेट कर लेती है तो बाहर निकलने वाली एनर्जी ही हमारे अंदर यूज होकर आइनाजेशन इन थेरेपी के रूप में उसे कॉपर टू पॉजिटिव में जल्द से जल्द चेंज कर देती है इसलिए कॉपर पॉजिटिव आयंस डिसप्रोपोर्शनेट होकर कॉपर टू पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इसी के कारण हमें एक्वस सॉल्यूशंस में हमेशा कॉपर टू पॉजिटिव आयंस मिलते हैं कॉपर पॉजिटिव आयंस नहीं मिलते सो नेक्स्ट वन इज द वायर एम एन टू कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन एफ वी टू पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन टू देयर ए प्लस तो प्लस थ्री स्टेट में ऑक्सीडाइज होना यह एफ वी टू पॉजिटिव ईजली हो जाता है बट एम एन टू पॉजिटिव ईजली नहीं होता इसका कारण एम एन टू पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कंफिकेशन होती है यह आर्गन के साथ यह थ्री डी फाइव मतलब हाफ फिल्ड तो जो कि स्टेबल रहती है इसलिए उसकी थर्ड आयनाइजेशन इन थेलपी काफ़ी हाई होती है तो उसकी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है बट एफ ई टू पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही थ्री डी सिक्स है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो स्टेबल बन जाता है थ्री डी फाइव इसके कारण वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और एफ ई थ्री पॉजिटिव बना लेता है बट एम एन टू पॉजिटिव खुद ही स्टेबल है वो एम एन थ्री पॉजिटिव को नहीं फॉर्म करता next is the what are the a eh, transition elements and why they are called transition elements humne shuru mein explain kiya tha ke transition elements are the those elements which have incompletely filled or the partially filled d subshells in their ground state or any one of their oxidation states उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में और उनकी ग्राउंड स्टेट में उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए उन्हें हम बोलते हैं ट्रांशन एलिमेंट्स और इनकी टेबल में पोजीशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू द लीस्ट पॉजिटिव यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच के चेंज को या फिर हम चेंज को बोल सकते हैं ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं इसके कारण इनका इसके कारण इनका नाम रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि ये उनके बीच की चेंज को शो करते हैं एक्सप्लेन गिविंग रीजन इसमें आपको सभी के रीजंस देने हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो अपने जनरल करेक्टर्स शो करते हैं जैसे कि उनमें आप कह सकते हैं कि ये पैरामग्नेटिक बिहेवियर है और ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ के हमें यहाँ पर रीज़न बताने हैं तो पैरामग्नेटिक बिहेवियर होने का क्या रीज़न है कि मोस्ट ऑफ़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी शप्शल में जिनके कारण के उनमें पैरामग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा ही उनमें मैग्नेटिक मोमेंट का अमाउंट बन जाएगा जिसको कि हमने ऊपर एक प्रॉब्लम में सोल्व भी किया था एन इंटू एन प्लस टू का ये कलर कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं इसको आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है ट्रांशन एलिमेंट्स है इनकम्प्लीट एन माइनस वन डी सबशेल्स उनके इनकम्प्लीट रहते हैं तो डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ये हमने पहले भी आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं होते कब हैं जब उनको आयंस कोई अप्रोच करते हैं उनकी फील्ड के अंडर वो हो जाते हैं स्प्लिट तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि विजिबल रेज में से अनर्जी कर कर वो इलेक्ट्रॉन डी डी ऑर्बिटल्स में ही एक्साइट हो जाते हैं उनके जो दो पार्ट्स हैं उन्हीं में ही ये वहाँ पर एक्साइट हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर हैं थ्री ऑर्बिटल्स नीचे और दो ऑर्बिटल्स हैं ऊपर यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाता है इनको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशंस तो जो बाकी के वेवलेंस होती हैं बाकी के विजिबल रीजन के पार्ट्स होते हैं हाइट के पार्ट होते हैं वो सभी वहाँ से पास आउट होकर बाहर निकल जाते हैं तो वही रंग हमें उनका अम्पियर होता है तो जो वेवलेंथ अब्जोर्व हो जाती है उसके ऑपोजिट ए कलर उनका हमें अपीयर होता है सो so, यही कारण है कि मोस्टली ये ट्रांजिशन ट्रांशन मेटल कंपाउंड्स आर ये है कलर जैसे कि आयरन के कंपाउंड्स आयरन टू पॉजिटिव के कंपाउंड्स ग्रीन होते हैं आयरन ए थ्री पॉजिटिव के कंपाउंड्स हमारे पास ब्राउन होते हैं ये कॉपर सल्फेट के जैसे कंपाउंड हमारे पास ब्लूइश होते हैं तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं गुड ए कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें इनका क्या रीज़न है बिकॉज दे कैन फॉर्म द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तो रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो बीच की सेट बनती है ये उन्हें फॉर्म कर सकते हैं और दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया ये लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड कर देते हैं जिस पर एडजॉर्प्शन होकर रैक्शन फास्ट हो जाती है एंड दे कैन चेंज एयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन दिन वो रैक्शन के बीच में अपने स्टेट को चेंज भी करवा सकते हैं तो ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं आपको बुक में से इनकी एक एग्जाम्पल जरूर रीड आउट कर देनी है वेल नोन इंटरसेशियल कंपाउंड इनके इनके डिब्लोक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं वो इंटरस्टेशल कंपाउंड बना लेते हैं डी ब्लोक एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर ये इंडोशिशियल साइट्स होती हैं वेकेंट स्पेसिस होती हैं जिनमें के स्मॉल नॉन मटेलिक जो एटम्स होते हैं वो उन स्पेसिस को ऑक्यूपाई ये कर सकते हैं उनमें आकर ठहर सकते हैं तो ये स्पेसिस इनमें क्यों होती हैं क्योंकि डिफेक्ट्स हो सकते हैं एंड इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने के कारण इनमें वो वेकेंट स्पेसिस बन जाती हैं जिसके कारण के वहाँ पर कार्बन बोरोन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसे नॉन मटेलिक जो एलिमेंट्स हैं वो आकर इंटरशेशियल इन, कंपाउंड इन, इनके साथ बना सकते हैं तो मोस्टली इनके हमारे पास हाइड्राइट्स बनते हैं तो वो सभी इनके इंटरशेशल कंपाउंड्स बन जाते हैं ट्रांशल मेटल्स फॉर्म कम्पलेक्सेस तो ये हमारे पास कंप्लेक्सेस बनाते हैं आपने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का चैप्टर किया होगा तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल जो एटम्स होते हैं जो या फिर सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही चूज़ किए जाते हैं तो इसका आ, रीज़न क्या है कि इनका जो ये साइज होता है वो स्मॉल होता है तो हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें के लोन पेयर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं तो इनकी इनकी आपको एग्जांपल्स भी याद रखनी है जैसे कि एन आई के साथ अमोनिया सिक्स है ए अटैच हुए हुए जिन्होंने इनके साथ लोन पेयर डोनेट कर कर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है ऐसे ही आपके पास सेम टू सेम ए कॉपर की एग्जाम्पल है तो ये मेटल्स हमारे पास अलोएज बना देते हैं क्योंकि इन सभी के साइज़ एक जैसे होते हैं आलमोस्ट इनके साइज़ सिमिलर होते हैं जिसके कारण के ये ये क्या करते हैं कि इनमें दो या दो से ज़्यादा अगर हम मेटल्स को एक दूसरे में रला देते हैं इंटरमिक्स करवा देते हैं तो क्या होता है कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स की जगह ओक्यूपाई कर सकते हैं क्योंकि उनके जो साइज़ होते हैं वो इन सभी के एक जैसे होते हैं तो इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रास जो कि कॉपर और जिंक से बनता है ब्रोंज जो कि कॉपर और एटिन से बनता है नेक्स्ट वन इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि इनमें ए है आउटर शेल का जो एस ऑर्बिटल के साथ साथ इनर शेल का डी ऑर्बिटल भी यूज होता है इसलिए सो दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द इनर ये एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द आउटर एन एस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द एनर्जीज़ ऑफ द एन एस एंड एन एस एंड एन माइनस वन डी डी सबशेल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल तो इनकी इनकी यहाँ पर एनर्जीज़ इक्वल होने के कारण तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती हैं क्योंकि इन्हों में डी ऑर्बिटल्स भी साथ में यूज़ हो रहे हैं आगे चलते हैं दैट इज द प्रोडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलर्ड इन द एक्सोल्यूशन इनमें से कौन सा जो आयन है वो एक्व सोल्यूशन में कलर्ड होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी के सभी ही यहाँ पर ए कलर्ड होंगे तो हमें सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिकेशन सोल्व करनी है तो जिसमें d4 आ रही है d3 आ रही है d2 टू वन डी इसका मतलब सभी में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सो आल आर ए कलर्ड बट हमने ऑलरेडी रीड किया है कि डी थ्री कन्फिग्रेशन इज टी टू जी थ्री मतलब हाफ फील्ड हो जाती है इसलिए ये भी स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा तो मोस्ट स्टेबल इज दी आर थ्री पोस्टिव इज द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द डी थ्री कन्फिग्रेशन वट इज लेंथ कॉन्ट्रेक्शन अब हमारे पास एफ ब्लॉक में से है वट इज एनोइट कॉन्ट्रेक्शन क्या है एक्सप्लेन इट्स कोज उसका कॉज क्या है और उसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं तो इसमें आपका ये काफ़ी कुछ इसमें ही हो जाता है आगे एक दो रीजनिंग क्वेश्चन भी इसके इसमें ही आपके कवर हो जाएंगे तो सबसे पहले क्या है कि जब हम एंथेनोइट्स जो एलिमेंट्स हैं जो एफ की फोर एफ सीरीज़ है उसमें हम मूव करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट अटोमिक नंबर इनक्रीज होने के साथ अटोमिक साइज़ एंड या फिर आइनिक साइज़ डिक्रीज होता है डिक्रीज ये काफ़ी स्मॉल होता है बट एक स्टेडी डिक्रीज है मतलब एक रेगुलर डिक्रीज होता है इनके साइजेस में उसको हम बोलते हैं लेंथ कंट्रैक्शन सो स्टेडी डिक्रीज इन अटोमिक एंड आइनिक रेडियस ऑफ द लेंथनोट एंडिबेंट्स विद इनक्रीजिंग अटोमिक नंबर इज कार्ड लेंथनोट कंट्रेक्शन दिस डिक्रीज इज़ वेरी स्मॉल ओनली ए टेन पिकोमीटर फॉर अटोमिक रेडिया अटोमिक रेडिया में सिर्फ दस पिकोमीटर का चेंज होता है फ्रॉम सीडियम टू ल्यूशियटियम बट ओनली एटीन ए पीकोमीटर फॉर द आइनिक रेडियाई तो आइनिक रेडियाई में अठारह पिकोमीटर का और अटोमिक में दस पीकोमीटर का चेंज आता है तो इसका कॉज़ क्या है कि एक रेगुलर हमें डिक्रीज़ मिलता है इसका कोज़ क्या हो सकता है वो हमें एक्सप्लेन करना है तो ध्यान से देखिएगा कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो फोर एफ़ शेल्स में ऐड होते हैं अब जो फ़ोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास वीक होता है पुअर होता है तो वो एक दूसरे को शील्ड इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या है कि हर स्टेज पर न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ शील्डिंग इफ़ेक्ट तो कुछ खास वहाँ पर नहीं इंक्रीज़ हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करेंगे फोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हो जाएगा तो इसके कारण उसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ फ़ोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ़ोर एफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ साइज डिक्रीज़ हो जाएगा यही आपका का रीजन है तो मेन क्या छोटा होता है बट एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इसलिए हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके साथ क्या क्या होता है क्या इसके इफेक्ट्स क्या हैं यह कंसिक्वेंस क्या हैं इसके साथ क्या होता है जो सेकेंड जो हमारे पास ये ट्रांशन सीरीज़ है जब उससे हम थर्ड में मूव करते हैं जो ऑटोमिक साइज़ में इंक्रीज़ आना था वो वहाँ पर इंक्रीज़ नहीं आ पाता वहाँ पर डिक्रीज आता है एटोमिक साइज़ दोनों का सेम साइज हमें मिल जाता है जो इंक्रीज एक्सपेक्टेड था वो सेम ही साइज़ मिल जाते हैं इसलिए सेकेंड एंड थर्ड जो होती हैं ट्रांशन सीरीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच करती हैं ड्यू टू द सिमिलर साइजिस तो जैसे कि जिरकोनियम हाफनियम न्यूबियम ये हे टीए एलिमेंट है इसके साथ मोलिब्डेनम एंड ए हे टंगस्टन है इसमें इन सभी के साइजेस एंड सेम होते हैं इसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर हो जाती हैं सिमिलैरिटी अमंग द लेंटेनोइड्स तो लेंटेनोइड्स में आपस में ही काफी सिमिलरिटीज होती हैं तो इनको अलग-अलग करना काफी मुश्किल होता है इनकी सेपरेशन क्योंकि इनकी सभी रिएक्शंस एक जैसे ही देते हैं ये सभी कंपाउंड्स क्योंकि इनका साइज सेम होता है कुछ खास चेंज इनके साइज में नहीं आता ज्यादा स्मॉल चेंज होता है इसलिए बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन द वेरी डिफिकल्ट बेसिसिटी डिफरेंस जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज दें उसका साइज बड़ा है लुसिटियम का छोटा है तो लेंथेनम का बड़ा साइज होने के कारण वो ओएच OH नेगेटिव जल्दी रिलीज करेगा तो मोर बेसिक होगा लुसिटियम का साइज छोटा होने के कारण उसका बे बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो ओएच OH आयन को जल्दी नहीं रिलीज करेगा सो दिस इज द बेसिक कोर्स सो so, ये आपके लिए अलग से रीजनिंग क्वेश्चन इन सभी पर बेस्ड बन सकते हैं कि जिरकोनियम एंड हाफनियम का सेम साइज क्यों होता है ड्यू टू तो लेंथ कंट्रेक्शन तो ये सभी आपको मिल सकते हैं रीजनिंग क्वेश्चन में वट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें के हमारे पास ये होते हैं इनर ट्रांजिशन मतलब के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही बीच में से इनको अलग पोजिशन पर रखा गया है तो इनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं इनमें इन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है एन माइनस टू ए एफ ऑर्बिटल एंड एन माइनस वन डी ऑर्बिटल जिसमें कि जीरो और वन इलेक्ट्रॉन होगा एंड एन एस टू तो एन एस टू जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर का एक शेल है उसका डी ऑर्बिटल और उससे भी एक पीछे के जो शेल का एफ ऑर्बिटल -or, इसमें यूज़ होता है

एम एन शो इज द हाईस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन विद ऑक्सीजन बट फ्लोरिन विद फ्लोरिन इट शो ऊन प्लस फोर हाईस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैगनीज है वो अपनी हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ तो प्लस सेवन बनाता है बट फ्लोरिन के साथ सिर्फ प्लस फोर बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है बट फ्लोरिन का भी साइज छोटा है दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटिविटी भी हाई है ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है बट ऑक्सीजन कैन मल्टीपल बोन्स ऑक्सीजन मल्टीपल बोंड्स यानी कि डबल बोंड्स बना सकता है इसके कारण वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी स्टेबल कर देता है नेक्स्ट इज द मेटल मेटल बोंडिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांशन एलिमेंट्स ट्रांशन एलिमेंट्स में मेटल मेटल बोंडिंग जो सेकेंड एंड थर्ड सीरीज में हमें क्यों ज़्यादा मिलती है बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड ए ट्रांजिशन सीरीज में फोर डी एंड फाइव डी एलिमेंट्स होते हैं सीरीज यूज होती हैं तो इनका साइज ए थ्री डी से ज़्यादा होता है थ्री डी सीरीज से ज़्यादा साइज होने के कारण जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड होते हैं जो कि फिर मेटल मेटल बॉन्ड इजिली बना सकते हैं तो सिंपल रीजन है ड्यू टू द मोर साइज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ द एयर ट्रांशन मेटल इज बेसिक वेयर एज द हाइस्ट ऑक्साइड्स आर एम्फोट और एसिडिक लोअर ऑक्साइड्स होते हैं जो जब ये हमारे डी ब्लोक एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तब वो बिहेव करते हैं लाइक द नॉर्मल मेटल्स तो मेटलिक ऑक्साइड हमारे पास बेसिक होते हैं इसी कारण उनके ऑक्साइड बेसिक मिलते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो जाती है तो मोटेलिक करेक्टर भी इनका जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है जिसके कारण के जो कि साइज़ डिक्रीज होने के कारण मोटैलिक करेक्टर भी डिक्रीज कर जाता है तो जिसके कारण के उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो अब इसमें बेसिक होने के बजाय नॉन मोटेलिक ऑक्साइड हैं तो वो इसमें एम्फोटेरिक और एसिडिक ही बनेंगे तो सिंपल रीज़न है कि जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मोटेलिक ऑक्साइड बनते हैं हायर में नॉन मेटेलिक बनते हैं इसलिए राइट द सिमिलैरिटीज अमंग द लैंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स इनमें क्या क्या सिमिलर है दोनों ही प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट मेन दिखाते हैं दोनों में एफ ऑर्बिटल्स फिल होते हैं दोनों में ही लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टेनोइड ए कॉन्ट्रैक्शन होती हैं तो बोथ शोज द शार्प लाइन लाइक बैंड्स इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इनके इनके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ही शार्प देखने को मिलती हैं विच आर ड्यू टू ये ट्रांजिशन तो इनमें भी एफ एफ ए ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती हैं दोनों सीरीज में ही तो और भी इनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं आपको चार पांच याद रखनी लेनी है ऐसे ही आपको इनके डिफरेंस याद करने हैं कि लेंथिन सिर्फ ए प्लस थ्री प्लस टू और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन सेट दिखाता है एक्ट्रीन हमने अभी भी रीड किया था कि हायर ऑक्सीडेशन सेट्स भी बना सकते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट फो जो हमारे पास फाइव एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट फोर एफ से लोअर होता है तो इनका जो बेसिक करैक्टर है के एलिमेंट्स मोस्टली लेस बेसिक हैं बट यहाँ पर एक्टेनोइड्स के हैं जो वो मोर बेसिक होते हैं एंड एक्टेनोइड्स आल आर द रेडियोटिव बट जो हमारे पास लेंथेनोइट्स हैं उनमें प्रोमिथियम को छोड़कर बाकी सभी नॉन रेडियोक्टिव हैं सिर्फ प्रोथियम ही हार, हार, सिर्फ प्रोमिथियम ही हमारे पास रेडियक्टिव होता है तो ये थे आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तो इसके बाद हम इसकी कुछ आई यू पी ए को सोल्व करते हैं आई यू पी एस सी ने हेमिंग को सोल्व करते हैं तो कुछ अनसोल्व एग्जांपल्स हैं तो इनको हम साथ में सोल्व करेंगे तो प्लीज यहीं पर वीडियो को रोके इन सभी एग्जाम्पल्स को नोट no डाउन करें और साथ में सोल्व करें ठीक है तो आपको साथ साथ में सोल्व करते जाना है अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में आपके सभी रूल्स हो जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ ठीक है ये सी एल टू है इसका चार्ज इधर जाएगा टू नेगेटिव बन जाएगा ठीक है तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बन रहा है टू नेगेटिव और साथ में है टू CL, oh sorry, यहां पर two positive, CL पर बनेगा ठीक क्योंकि होता है negative charge. So now, CO की oxidation state है की है, so, zero, की की हम मान लेते हैं होती होगी माइनस वन ऊपर चार्ज है प्लस टू तो ये तो हो गया जीरो जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन चुकी है प्लस थ्री और आल्सो ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज वाला दैट इज इट इज ए कॉम्प्लेक्स ठीक है तो कटाइनिक देखने के लिए आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वाला चार्ज ऑब्जर्व करना है उसके साथ क्या होगा कि हम इसका नाम सिंपल ही कोबाल्ट ही यूज करेंगे अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या यहाँ पर इसका नेम यूज करते हैं कोबाल्ट एट ठीक है उसके पीछे एट लगा देते तो सबसे पहले आपको नेम्स लिखने होते हैं के वो भी हम कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम ए से शुरू होता है ठीक है ए अमाइन है इसका नाम सी से तो अमाइन को आगे लिखेंगे कितनी बार जुड़ा है दिस इज ए है फाइव टाइम्स तो हम क्या लिखेंगे पेंटा अमाइन अमाइन में दो एम होंगे याद रखिएगा जब यहाँ पर लिखना है नेम क्लोराइडो है एक बार क्लोराइडो ठीक है कोबाल्ट सिंपल क्योंकि पॉजिटिव है चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थ्री और बाहर जो है सी एन लाइन उनका नाम सिंपल क्लोराइड एक ही लाइन में आपको कंप्लीट लिखना है नेम विदाउट एनी स्पेसिंग ठीक है तो ये इसका नेम हो जाएगा ओके ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल करते हैं तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री के पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज बनेगा एफ पी सी एन सिक्स ऊपर बनेगा थ्री नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की एक्स सी एन की होती है माइनस वन तो उधर लग गया माइनस थ्री उधर जाकर ये वाली टर्म ऐड होगी तो ये बन जाएगा प्लस थ्री अब ऊपर चार्ज है नेगेटिव तो इसका नाम हम यहाँ पर आयरन की बजाय फेरेट यूज़ करेंगे ठीक है क्या नाम आएगा इसका फेरेट अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो एफ का नाम हम यूज कर लेते आयरन ठीक है तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं पोटाशियम जो बाहर आयंस हैं उसके लिए सिर्फ आपको उसका नेम यूज़ करना है टू थ्री फोर वगैरह बिल्कुल नहीं देखना जस्ट सिंपली पोटाशियम ठीक है अब इसका नाम शुरू करते हैं सी है छः बार तो हेक्सा सी एन के लिए हम यूज कर लेते हैं साइनो मोस्टली यही यूज किया जाता है कुछ बुक्स में साइन साइन uh, भी यूज किया जाता है वो भी सही है अब FE का हमने यूज करना था फेरेट और इसकी ऑक्सीडेशन थी. स्टेट बस ठीक है अब इसके बाद वाली एग्जाम्पल करते हैं इसमें दोनों ही यानी कि कटायन एंड अनायन दोनों ही एक कोऑर्डिनेशन कोर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ठीक है, है अब इनमें जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अमोनिया का चार्ज होगा जीरो और इसका चार्ज होगा माइनस टू सॉरी इसका होगा माइनस वन सो टू इंटू बन गया माइनस टू तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास बन रहा है टू तो इसको अगर हम हाफ़ कर दें यानी कि टू चार्ज बन रहा है इस तरफ इस तरफ है ज़ीरो ठीक है तो टू का हाफ़ यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा प्लस वन प्लस वन ठीक है सॉरी एक साइड आ जाएगा प्लस वन एक साइड आ जाएगा माइनस वन बाकी इसमें ये जो रूल है ये सिर्फ उस टाइम अप्लाई होता है जब दोनों साइड पर एक जैसे ही हेगेंट्स हो यानी कि यहाँ पर भी दोनों सेम है यहाँ पर भी दोनों सेम है अगर कोई अलग अलग आ जाएंगे हिगेंट्स तो हमें यहाँ पर इसका चार्ज क्या आना है वो हमें याद रखना होगा यानी कि आपको इस सेंट्रल मेटल जो यहाँ पर आइटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना होगा तो जो यहाँ पर एजी है सिल्वर है सिल्वर की ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है प्लस वन ठीक है तो इसलिए हमें उसकी यहां पर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूज कर सकते हैं इसका नाम बनाते हैं दो लगे हैं यहाँ पर अमोनिया सो ये बन जाएगा डाइमाइन ठीक है डायमाइन ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो इसका नाम लगेगा सिल्वर डाइमाइन सिल्वर वन फिर स्पेस फिर इसका नाम यहां पर लगे हैं सी एन डाइसाइनो अब देखिए इसके ऊपर चार्ज है नगेटिव इसमें अब सिल्वर का नाम क्या बन जाएगा दैट इज अर्जेंटेट ठीक है है अर्जन, टेट, ये आपको ध्यान रखना है यही एक इम्पोर्टेंट बात है ठीक है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहने वाली है ऊपर वाला आपको चार्ज देखना है ओके तो आगे चलते हैं ये वाला है कॉम्प्लेक्स ठीक है अब यहाँ पर एक जुड़े हैं अमोनिया एक जुड़े हैं एनओ टू तो एनओ टू का नाम क्या हम यूज करेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर एन से अटैचमेंट है एक और मैंने एग्जांपल इसीलिए यहाँ पर बताई है यहां पर ऑक्सीजन से अटैचमेंट है उसके लिए हमें क्या करना है इसका नाम पहले लिखते हैं पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर होता है माइनस वन सो माइनस वन इन थ्री माइनस थ्री अमोनिया का जीरो तो ये बन गया आपके पास प्लस थ्री ठीक है तो ये आपका नाम बन जाएगा यहां पर तो, राइ अमाइन इसके लिए फिर इसकी बारी राई नाइट अटैचमेंट एन से है तो ऐसे एन लगाएंगे एन आगे है कोबाल्ट ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका नाम सिंपल यूज करेंगे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री ठीक है यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करने पहले एक्स माइनस वन और बाहर होगा चार्ज इस बार प्लस टू क्योंकि यहाँ पर एसओ फोर है तो सेम बन जाएगा प्लस थ्री ठीक है अब इसका नाम यूज करते हैं इसमें फिर से आ गए पांच अमोनिया तो ये बन गया पेंटा अमाइन ठीक है फिर लगा है एक o -O, के ओ एन ओ यानी ऑक्सीजन से अटैचमेंट है ठीक है फिर आ गया हमारा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है थ्री और बाहर है सल्फेट तो बाहर लिख देंगे सल्फेट ठीक है ऐसे आपको आई यू पी एस सी नेम्स लिखने हैं ठीक है अच्छे से ध्यान से इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अब यहां पर जुड़ा है ई तो ई मैंने आपको बताया था ये क्या है इथेन वन टू डाइए ठीक है अब जो इसका ये यहां पर ये जो लेगेंड अटैच है दैट इज द दस इसका जो नेम है उसके अंदर ऑलरेडी वर्ड यूज हो रहा है ईथेन वन टू डाईएम ठीक है डाई वर्ड ऑलरेडी यूज है जब किसी भी लेकेंड के नेम में डाई और राई वर्ड्स ऑलरेडी यूज हों अगर बाहर भी वो टू टाइम्स आ जाए थ्री टाइम्स आ जाए तो हमें इसके लिए अब नेम्स यूज करने हैं बिस फोर टू टाइम्स ए थ्री टाइम्स तो अब ये जुड़ा है यहां पर थ्री hey, टाइम्स hey, तो इसके लिए हम यूज करेंगे right. ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये उसके नेम के अंदर यूज हुए हुए हैं ऑलरेडी ठीक है इसका नेम लगते हैं रिस अब इसका नाम हमें ब्रैकेट में लिखना है दैट इज दिन वन टू है? और हमारा जो मेटल एटम है पॉजिटिवली चार्ज है तो सिंपली लिख देंगे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगी थ्री क्योंकि इसका होता है जीरो तो बाहर लिखेंगे आयन. ठीक है तो ऐसे हमें इसका नेम लिखना है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ठीक है तो आई होप के इन सभी एग्जाम्पल्स के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आगे चलते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम बहुत बार ही एग्जाम में आप लोगों को पूछी जा चुकी है ठीक है तो इसमें क्या है कि वन मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इसका हमें एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पर नहीं बताया गया है मतलब के कोऑर्डिनेशन स्पीयर के के जो अंदर हैं वो इनमें से कौन से ठीक है थीके? वो हमें यहाँ पर नहीं बताया गया सो वन मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स

टू मोल्स फॉर्म हुए हैं तो बाहर कितने सीएल होंगे टू सी बाकी का एक अंदर रह जाएगा तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या बनेगा पांच अमोनिया के अमोनिया अंदर रहेंगे क्योंकि टोटल हमें करना है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली ही सारे होते हैं तो बाकी के दो जो सी हैं वो रहेंगे बाहर तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा सिर्फ आपको यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है या फिर आपको एमसीक्यू बनाकर ये वाली प्रॉब्लम दी जा सकती है सिंपल सी प्रॉब्लम है ठीक है सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है एक और इसी पर बेस्ड आ सकती है प्रॉब्लम नेक्स्ट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड नेक्स्टिक्ट फॉर्मुला टोटल नंबर ऑफ आय जो है वो यहां पर कितने बनेंगे वो हमने सभी एग्जाम्पल्स में बनाए हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से बना देते हैं तो ई एन थ्री इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा दिस वन दैट इज द दी पॉजिटिव और साथ में क्या बनेंगे थ्री सी एल ने टोटल कितने आयंस हैं एक ये है ठीक है यहाँ पर मेन जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि इसके अंदर वाले जो हैं लेगेंट्स उनके आइंस बिल्कुल नहीं बनेंगे एक ये है कंप्लीट बाकी के ये हैं थ्री सो दिस बिकम्स द टोटल फोर आयंस सो देयर आर टोटल फोर आयंस इन दिस सॉल्यूशन ओके सो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सो नाउ इसके बाद है हमारे पास वेलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसने के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को विद द हेल्प ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसने एक्सप्लेन किया है तो इसके बारे में हम कुछ यहाँ से जानकारी लेते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये जानकारी मिलती है कि मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेनली दो टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर्स शो होते हैं एक होता है फोर एक होता है सिक्स ठीक है उसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ तो जो यहाँ पर फोर वाले होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप की हो सकती है जिनमें चार होंगे या तो हो सकती है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है या फिर हो सकती है डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है तो जो यहां पर एस पी थ्री हाइबर वाले होंगे उनकी शेप ठीक है उन सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी रहेगी टेट्राहेड्रल ठीक है और जो दूसरे होंगे डी एस पी टू वाले उनकी होगी स्क्र प्लेनर डी एस पी टू का मतलब है कि एक जो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है साथ में एस और दो पी ऑर्बिटल यूज हुए हैं ठीक है थीके? ये आपको अच्छे से रट लेना है ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स की अब हमें क्या है वहां पर सिर्फ पूछा जाएगा कि ऐसे एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हमें एग्जाम्पल में दिया होगा स्टेटमेंट में ठीक है जैसे कि यहाँ पर है एन आई सी एल फोर टू ठीक है तो जब फोर है तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा अब हमें यहाँ पर याद रखना है ठीक है जो सी एल होता है वो एक वीक फील्ड लेकेंड होता है वैसे तो ये हमें किसी दूसरी थ्योरी से जानकारी मिलती है बट ये हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं जिसके साथ के इसका आंसर इजिली सोल्व हो जाता है तो आपको याद रखना है सीएल होता है वीक फील्ड ले ठीक है जब ये वीक फील्ड होता है तो जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल होता है वो यूज कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स को की ये पेयरिंग हो पाना इसके लिए मुश्किल होता है ठीक है क्योंकि इसकी फील्ड वीक है ओके तो इसलिए हमारे एस पी थ्री हाइपडाइजेशन होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है और इसमें ज्यादा वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए ये बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं हाई स्पिन होती है इनकी तो ये सब चीजें आपको यहां से याद रखनी है कि अगर वीक फील्ड लेगेन जुड़ा है जैसे कि फ्लोरिन क्लोरिन आयोडिन जैसे तो ये आपको जानकारी साथ में बता देनी है ठीक है अगर यहाँ पर जुड़ गया सी एन जैसा कोई स्ट्रॉग फील्ड लेकिन कौन कौन से स्ट्रॉग है वीक है वो मैं आपको इससे आगे बताता हूँ अभी आप ये वाली दो तीन एग्जाम्पल से याद रखें अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो गया तो डीएसपी टू इसकी स्ट्रक्चर बनेगी स्क्वेयर प्लेनर तो वहां पर जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती भी वो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो ये बनेगा लो स्पिन कम्प्लेक्स ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है ऐसे ही सिमिलरली अगर होगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ठीक है उसमें भी ऐसा ही होगा उसका जो अरेंजमेंट तो एक ही रहने वाला है ओक्टा सिर्फ हाइबर की दो टाइप्स हैं एक है एस पी थ्री डी टू जिसमें के बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं दैट इज कि आउटर ऑर्बिटल्स एक है यहाँ पर डी टू एस पी थ्री जिसमें के इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर था यहाँ पर देखा कि अगर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं तो कौन होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन होगा लो स्पिन एंड डायमैग्नेटिक सेम ही पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़े होंगे ठीक है और स्पिन स्पिन क्या होगी होगी लो जैसे कि अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंट है तो फिर से आ गया यहाँ पर फ्लोरिन एक वीक फील्ड है तो वीक फील्ड है तो हाई स्पिन होगी और आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगे ठीक है तो ये जानकारी याद कर लें सिर्फ एग्जाम में इतना ही हमें मोस्टली सिर्फ इतना ही एग्जाम में यह पूछा जाता है इस साल तो वैसे भी आपको सभी प्रॉब्लम्स हैं जो वो शॉर्ट आंसर टाइप ही आने वाली हैं तो ऐसी ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछी जाएगी ठीक है तो इसको अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है ठीक सुनाओ अब इसके बाद है हमारे पास सी एफ टी थ्यूरी तो सी एफ टी क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ठीक है तो इसने हमें क्या बताया कि इसने बिल्कुल ही हमें एक ऑपोजिट वे के साथ हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में जानकारी दी इसने हमें बताया कि वहां पर कोई भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं बनते वहां पर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ ही बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन होती है तो इसने हमें बताया कि जब ले, जब, ले, जब ले, एगेंट्स होते हैं जो वो डी ऑर्बिटल्स के आसपास कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स की पर हो जाती है टू लेवल्स जैसे के के सबसे पहले ये थे हमारे पांच डी स्फेरिकल फील्ड में है स्फेरिकल फील्ड यहां पर, ले की, तो हम यहाँ पर फील्ड वर्ड यूज करते हैं तो स्फेरिकल फील्ड सभी डायरेक्शन में ही सेम रहती है तो इसलिए इन सब की एनर्जी सेम है इसे हम बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स जब हम इन्हें रख देते हैं ओक्टा हेडल फील्ड में ओक्टा हैडल फील्ड में अब क्या होगा कि में सभी डायरेक्शन में से सेम फील्ड बिल्कुल नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि डी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स में दो की एनर्जी हो जाएगी हाई और बाकी के जो होंगे डी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी हो जाएगी लो तो जो यहाँ पर लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको हम नाम देते हैं टी टू जी ऑर्बिटल्स और जो हाई एनर्जी वाले हैं उनको हम नाम देते हैं यहाँ पर ई जी ऑर्बिटल्स इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड सप्लेटिंग एनर्जी सी एफ एस सी ठीक है इसे हमने ओ यहाँ पर लिखा है ओ का मतलब है ओक्टाइटल फील्ड के लिए है ठीक है तो यहाँ पर जो इसकी नॉर्मल एनर्जी थी उससे टू बाई फाइव ऑफ दिस सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड सप्लेटिंग एनर्जी टू बाई फिफ्थ पार्ट का गैप रहता है इस तरफ से और बाकी का गैप रहता है यहाँ से थर्ड बाय फाइव ठीक है तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है तो ऐसे ये दो ऑर्बिटल्स में यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई होती है तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर करते हैं फिलअप बाद में हम यहां पर ऊपर जाएंगे ठीक है तो अगर ओक्टा हेड्र की जगह पर आपको कुछ पूछा जाए फॉर जाएट्रा हेडल कॉम्प्लेक्स वैसे मोस्टली इसके बारे में ही पूछा जाता है इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इस ओक्टा हेडल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी से फोर बाय नाइन टाइम्स होती है मतलब इससे जो वो है वो उसकी एनर्जी वो लो होती है फोर बाई नाइन टाइम्स होती है ठीक है हाफ से भी कम होती है ठीक है एंड इस फील्ड में टेट्राहेड्रल टी टू वाले ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे और ये ई वाले ऑर्बिटल्स आएंगे नीचे इसमें ऑपोजिट रहेगा ये बातें आप लोगों को याद रखनी है ठीक है तो अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का यहाँ पर अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कौन से यूज किए हैं सो so, अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंट्स को तो ये जो एनर्जी है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनक्रीज़ काफ़ी हाई रहेगी अगर हम यूज़ कर रहे हैं वीक फील्ड लेगेंट्स को तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड फील्डिंग एनर्जी इसकी वैल्यू रहने वाली है लो ठीक है स्मॉल रहने वाली है तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हीगेंट्स तो इस साइड के मोस्टली हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और इस साइड के हम ज्यूम कर लेते हैं वीक फील्ड तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर आयोडीन और सी लिखे हैं फ्लोरिन भी आएगा सभी हाइलोजेंस आ जाएंगे ठीक है तो आपने अगर पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर यूज करना है तो वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी इतनी आपने जरूर याद रखनी है यही मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है अगर हो सके तो आप उस सीरीज को कंप्लीट भी याद रख सकते हैं ठीक है तो अब इस पर बेस्ड आपको जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उनको हम कुछ देखते हैं किस बेसिस पर इस थ्योरी में से हमें प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है सो नाउ तो हमारे पास बनते हैं अब यहाँ पर टू डिफरेंट केसेस अगर जुड़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लीटिंग एनर्जी होगी लार्ज ठीक है यानी कि जो डी जो डी ऑर्बिटल्स के हैं दोनों लोअर एनर्जी एंड हाई एनर्जी वाले सेट्स उनमें एनर्जी का काफी गैप होगा तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर रखना होगा ठीक है ना फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो हमारे लिए यहाँ पर पेरिंग एनर्जी की वैल्यू लो रहेगी देन द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी तो जिसकी वैल्यू लो है वही चीज़ वहां पर होगी तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी लो है तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर हो जाएगी पेयरिंग अगर इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है यहाँ पर पेयरिंग तो इसका मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती जो है वो हो जाएगी कम तो कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन ठीक है यानी कि डायमैग्नेटिक भी बन सकता है इसी के ऑपोजिट अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हुई स्मॉल यानी कि वीक फील्ड तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वीक फील्ड के साथ आप लोग याद रख लें वीक फील्ड वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन स्ट्रोंग फील्ड वाले होते हैं लो स्पिन ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा कि वीक फील्ड होने के साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी लो तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले शेल में ही जाएंगे इसकी बजाय उनकी यह पेयरिंग हो सके ठीक है उसकी बजाय वो ऊपर वाले शाइल में ही चले जाएंगे इसको सोल्व करके कर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर ठीक है तो अब इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर करते हैं सोल तो d4 इलेक्ट्रॉनिक है हमारे पास ये कन्फिकेशन यानी कि हमें d में चार इलेक्ट्रॉन रखने हैं एक केस है यहाँ पर जुड़े हैं स्टॉक फील्ड तो यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की हे हे हमने क्या किया चार इलेक्ट्रॉन में से एक 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 यहाँ पर रखा और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो भी यहीं पर रख दिया क्योंकि ऊपर जाने के लिए एनर्जी का गैप काफी हाई है तो यहां पर रखना हमारे लिए था क्योंकि ये वाली एनर्जी हाई है देन द पेरिंग एनर्जी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया फिलहाल तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी टी टू जी में है चार इलेक्ट्रॉन ई जी में है जीरो इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पर होते वीक फील्ड तो ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये यहां की बजाय ऊपर जाता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या बनती टी टू जी में होते थ्री इलेक्ट्रॉन ई जी में होता वन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक दो तीन चार यहां पर कितने हैं ओनली टू तो ये बन गया लो स्पिन कम्प्लेक्स ये बन गया हाई स्पिन कंप्लेक्स तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं स्पिन पूछ सकते हैं लो स्पिन हाई स्पिन पूछ सकते हैं कुछ भी इनमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है ठीक है तो आई होप कि आप लोग सब कुछ साथ में ही नोट डाउन ज़रूर कर रहे हैं तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है